हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज है हमारा छठी वाला दिन, और बस अभी हम लोग जो है सो करके उठ गए। मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि बेबी ने आज पूरी रात मुझे परेशान किया है, तो इसी वजह से जो है आज बिल्कुल भी नहीं सोई है ये मैडम हमारी, तो इसलिए अभी ये सो रही हैं और हमें तो भाई उठना ही पड़ेगा। तो बस अभी लेट ही उठी हूँ, मैं सुबह 10 बजे उठी थी, और अभी मैं चाय नाश्ता कर लिया है, अपनी दवाइयाँ भी ले ली हैं, और मैं दिखा देती हूँ, ये देखो मैडम सो रही हैं अभी। तो जब ये उठ जाएंगी तो यहाँ के बिस्तर वगैरह भी सारे चेंज हो जाएंगे। तो आज है छठी वाला दिन, तो सारी प्रिपरेशन चल रही हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या हो रहा। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े निकाल करके रखे हुए हैं अपने, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तब तक ये सो रही हैं मैडम। ठीक है, चलिए अभी बाहर चलते हैं और दिखा देते हैं आप लोगों को कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पे सारी धुलाई चल रही है, मम्मी सारा सब कुछ धो रही हैं, यहाँ पे बाहर का भी धो रही हैं ताकि थोड़ा सा घर साफ सुथरा लगे। और ये देखो बैलून्स अभी तक लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चल रहा है फैजान का, क्या कर रहे हो फैजू, क्या कर रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, ट्रेन। अच्छा जी, तो यहाँ पे फैजू अपने टॉयस के साथ में खेल रहे हैं, वो बस रात भर तक ये डले रहेंगे, वैसे ही टॉयस इन्हीं के साथ में खेलता रहेगा। तो बस अभी चलो एंजॉय करो, खेलो। तो यहाँ हॉल की भी थोड़ी सी क्लीनिंग व्लीनिंग हो चुकी है। यहाँ पे बन रहा है खाना, तो आज खाने में क्या बन रहा है, मटर पुलाव बन रहा है, फिर शाम को बनेगा जो भी बनेगा। तो यहाँ पे भाभी मटर पुलाव बना रही हैं, तो सारी तैयारियाँ एक साथ में चल रही हैं। मम्मी यहाँ पे सब धोवा धाई कर रही हैं। लो नहीं, हो रही है। कपड़ा ले आई हो वाला? ओ जी, क्या है, लाओ बताओ। इसके पूरे पेट पे बोलो, सुको तो लाल हो गई पूरी वाला ऐसे कर रहा था मैं, इससे बोलो ओ आप इस लाभ दे भी आता आए 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 ए इधर देखो, इधर देखो, ये सही है, मतलब ये साइज सही है ना, एकदम एकदम परफेक्ट बनेंगे उसके। इतनी लगी छोटी सी है। गोल्डन गोल्डन हमें मिली सोने की पिन, बड़ी खतरनाक पैकिंग की गई है। ये पहनेंगे ठीक है, इसके साथ, इसके साथ क्या पहनेंगे, चड्डी, ये इसके साथ है, ये हाँ चड्डी पहना दो, ये कैसी है, अंदर लंगोटी पहना देंगे, ऊपर चड्डी पजामा है। निकाल के रख दो बस, पैकिंग खुल गई तो पूरी खोल दो। तो बस यहाँ पे जो है डेकोरेशन की प्रिपरेशन चल रही है, और कुछ इस तरीके से हम लोग डेकोरेशन करने वाले हैं छठी वाला। तो यहाँ पे फूल माला काफ़ी सारे ले आए थे, तो बस इसी को हम लोग लगाने वाले हैं, तो जैकी भाई ही लगाएंगे हम लोग क्या। तो घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कुछ भी हो, तो जैकी भाई जो है ज़्यादातर डेकोरेशन करते हैं। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि रोज़ वाले मैं माला मंगा लूँगी, उसके बाद में डेकोरेशन कर देंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गुलाब जो है ना बहुत जल्दी झड़ जाता है, तो वो सही नहीं रहेगा, फिर मैंने गेंदे के ही मंगाए। तो बस यहाँ पे अभी वही चल रही है, और फैजान भी बैठे हुए हैं, तो फैजान भी अपने मामू की हेल्प कर रहे हैं। तो बस हम लोग जो है ना इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाने वाले हैं, एकदम सीधा सीधा वाला। तो अभी आप लोग आगे भी देख लेना कि किस तरीके से लगाया था हम लोगों ने। फिर तो
तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था कि रेखी भाई किस तरीके से डेकोरेशन कर रहे हैं। तो बस अभी तो फिलहाल वही चल रहा है, माला को सारा सारी मालाओं को तोड़ करके जो ना जोड़ रहे हैं, ऐसा लंबा लंबा सा फिर इस तरीके से लगा देंगे। और माशाल्लाह से पूरा जो डेकोरेशन था ना, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो पूरा पिंक बलून से और पूरा बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तैयारी ऐसी चल रही है जैसे किसी की शादी हो रही हो। कोई चारकोल फेस पैक लगा रहा है तो कोई मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठा है, और हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं। और हाँ जी, मैं पता है नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, रेडी हो गई थी। मैंने ये वाला सूट पहन लिया था, ये वाला गाउन मेरा आप लोगों ने देखा ही है, ये वाला। तो भाई बेबी फिर रोने लगी तो फिर हमें जो है ना चेंज करना पड़ा, फिर ये वाली गाउन हमें पहननी पड़ी, क्योंकि भाई अब न्यू न्यू मम्मी बने हैं तो अब इतना टाइम नहीं रहेगा तैयार वैयार होने के लिए, क्योंकि अब तो तैयार हो ही नहीं सकते हैं। तो बस मैंने फटाफट से फिर अपना जो है बन बना लिया था, और मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे से मैं रेडी हो जाऊंगी, लेकिन बच्चों का तो आप जानते ही हैं कि बच्चे पर तुरंत रोने लगते हैं। और फिर जैसे तैसे करके मैंने जल्दी से वो जो गाउन था उसको हटाया, क्योंकि उसमें जो है ना फिट कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, तो इस वजह से मैंने वो निकाल दिया है। तो ये वाला गाउन मैंने पहन लिया है, लेकिन दुपट्टा मैंने यही वाला लिया है। और जो मुझे मम्मी ने दिलाई है ड्रेस, वो मैं शाम में पहनूंगी। शाम में ये भैया बाजी वगैरह सब लोग आ जाएंगे, तो आज जो है छठी का प्रोग्राम है हमारे घर में, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पे हमारा बेबी सो रहा है, इन्होंने नहा लिया है, तो नहाने के बाद तो फिर ये पूरे दिन सोते ही रहते हैं। तो बस अभी हम इस गाउन को फोल्ड करके रख देते हैं, और बाकी जो भी होगा मैं सारा सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अब न्यू जर्नी है, ऐसे ही जल्दबाजी में सारी चीजें होंगी, अब तसल्ली से अब तैयार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको फिर अभी जो है अपने बेबी को भी देखना होता है, तो इसी वजह से। तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और क्या छठी यार, बस ऐसे ही है, जो भी थोड़ी बहुत रस्में हैं वो निभा रहे हैं बस। ये सारी चीज़ें तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। खैर तो बस जो भी प्रोग्राम होगा छोटा मोटा घर में ही करने वाले हैं हम लोग, सॉरी मैं गिर गई होती, घर में ही करने वाले हैं हम लोग, किसी को नहीं बुला रहे हैं बाहर से। और बस वैसे भी ये सारे प्रोग्राम छटी वटी तो ये सारी ससुराल में ही अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। खैर अब ससुराल ही नहीं है तो अब क्या करें। और आज वाकई में मैं और आज वाकई में मैं अपने सास ससुर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अगर तो अगर वो होते ना तो कितना अच्छा लगता वहाँ पे सारी चीज़ें। जैसे हम प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो अगर वहाँ पे मेरे ससुराल में ये सारी चीज़ें होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, और भी ज़्यादा रौनक लगती, लेकिन बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी। और तो बस अभी बाजी और भैया के आने का वेट करेंगे, और फिर जो भी खाना पीना जो भी बनता है ना, तो वो सारी चीज़ें बाजी ही बताएंगे कि हमारे ससुराल साइड में कैसे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो रिचुअल्स हैं वो अलग हैं, थोड़े से ऊपर नीचे हो जाता है कहीं कहीं, और मतलब मेरे ससुराल के साइड के अलग हैं। तो वो बाजी ही आ जाएंगे, आशफा बाजी, तो वही बताएंगी कि किस तरीके से उनका किया गया था, कि जब आलिया और इनाया पैदा हुई थी तो उस टाइम पे उनको पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से मम्मी अपना यहाँ का ना चलाते हुए मेरे ससुराल के ही सारे रीति रिवाज चला रही हैं। तो बस उनके आने का वेट करेंगे, वो अभी थोड़ा सा काम में कुछ फंस गई हैं, कुछ काम उनको लग गया है, तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा लेट ही आ पाएंगी वो। वैसे फ़ोन हमने उनको सुबह ही कर दिया था कि जल्दी आ जाना, सब लोग आ जाना तो अच्छा लगेगा,
और बस अभी देखते हैं कितने बजे तक आती हैं, जो भी जितने भी टाइम तक आएंगी तो वो आप लोगों को बताएंगे। तो बस बाजी जो है आ चुकी हैं, आशा बाजी, क्योंकि उनका प्लॉट का कुछ काम चल रहा था और आज ही के दिन से स्टार्ट होना था, तो बस इसी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा हो गए लेट। हमने कहा चलो खैर कोई नहीं, लेकिन आ तो गई हैं और फिर यहाँ पे अभी वो बना रही हैं खाना। तो मैंने सोचा नहीं था कि बाजी हमारे घर पे आके इस तरीके से खाना बनाएंगी, लेकिन इत्तफाक देखो उनको वो आई और उन्होंने जो है यहाँ पे खाना बनाया। हर चीज़ आप लोग देख ही रहे हो मेरे ब्लॉग में कि वो कितने अच्छे से एडजस्ट हो गई है हमारे घर में। और मतलब बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती है ना, थोड़ा सा शर्माती हैं या कुछ भी है, लेकिन बाजी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं हम लोगों के साथ में। तो बस यहाँ पे अभी वो बना रही हैं खाना, और खाने में क्या क्या बन रहा है वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी मिक्स वेज बन रही है, कढ़ी बन रही है और चावल बनेंगे, और भी सारी चीज़ें जो भी हैं वो बनेंगी। और यहाँ पे अभी गोश्त को भगारा जा रहा है, मतलब गोश्त बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ कोई आ रहा है यहाँ पे, एक बार जरूर बना के जाता है। हाँ पता नहीं क्यों बीत है, बड़ी बड़ी मम्मी ने बनाया था यहाँ पे, साइन ने भी यहाँ पे बनाया था, बुलबुल ने बनाया था, सब ने बना, सब लीडर मम्मी ने भी बनाया था एक बार। तो यहाँ पे ये भाभी और बाजी दोनों ही मिलकर के मसाले वगैरह निकाल रहे हैं, तो मतलब दोनों ने ही इस तरीके से काम कर लिया था। मम्मी भी लगी हुई है कुछ कुछ कामों में, बस मैं ही हूँ जो रेस्ट कर रही हूँ अभी, और मुझे कोई भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि अभी तुम आराम करो, अभी तुम्हारा आराम का टाइम है, बाद में तो तुम्हें काम करना ही है। तो बस यहाँ पे अभी मैं तो भाई बस अपने रूम में ही थी बेबी को लेकर के। मैं शूट भी नहीं कर रही थी, थोड़ा बहुत ही है बस, थोड़ा बहुत जो मैं आके देख रही थी कि किस तरीके से डेकोरेशन हो रहा है, क्या क्या सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था अंदर कमरे में। कढ़ी में धनिया, अच्छा कढ़ी में सब्जी, कढ़ी में धनिया, कढ़ी में सब्जी में सब में डाल दूँ धनिया। अरे हरा धनिया ना, हरा पिसा हुआ धनिया। देखो तोला देख लो, मेहनत की जा रही है। और नहीं पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, पिंक पिंक हो रहा है सब कुछ जब वो भी पिंक है, श्यामा भी पिंक है। देखो पिंक कलर पसंद है कि नहीं, मुझे पिंक कलर पसंद नहीं था, नहीं जब से आई है तब से पिंक 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 कपड़े, पिंक सब कुछ सुबह तो रहे माता का, सुबह तो वही तो चल रहे थे। लड़कियों की वही होती है बेबी पिंक, बेबी पिंक। तो यहाँ पे ये मीठे जो पुए होते हैं जिसे हम लोग गुलगुले बोलते हैं, वो बन चुके हैं और पकौड़ी बन चुकी हैं। तो चावल, कढ़ी, मटन, ये सारी चीज़ें जो है ना रखी जाएंगी छठी में, मतलब मुझे खानी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो बस यहाँ पे अभी देखो थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेशन हो गया है, फुली नहीं हुआ है। तो बस जितना भी हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पे बच्चे भी देखो दोनों आ गए हैं हमारे बगल में जो रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उदम कर रहे हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की ही तो पार्टी है ये। अभी हमारी आलिया और इनाया भी आ ही रही होंगी, क्योंकि हम लोगों ने उनको फ़ोन कर दिया कि जल्दी से ही आ जाने, क्योंकि बाजी तो जो है ना अपने प्लॉट पे गई हुई थी, क्योंकि उनका काम स्टार्ट हो गया है प्लॉट का, तो बाजी वहाँ से ही आ गई थी, लेकिन बच्चे थे घर पे तो वो शाम में ही आ पाएंगे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था कि उनको जल्दी से बुला लेते हैं, उनको बच्चों को, बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे, खेल लेंगे हमारे साथ में, तो बस कुछ ही देर में वो भी आ जाएंगे। बेबी सो रहा है? सो नहीं रहा है, अब तो जग रहा है। उसकी बड़ी मम्मी आ गई उसके लिए बनाने खाना। खाना अभी तो वो रेडी
दही जम जाएगा। जमा तो भैया दहेज खरीदते रहते कर ग्वालियर से दुनिया अपने शादी का सामान खरीद रहे थे हम जो खरीद रहे थे शादी का सामान। ओ भैया छोटे बेबी के लिए ये दे दो, छोटे बेबी के लिए वो दे दो। ओ कल भैया सामान निकाल के दिया ना, इन्होंने इतनी जल्दी कूदी और गत्ते को उठाकर अपने पास ले मेरा है। तो जी ये तो था छठी का फर्स्ट पार्ट, कैसा लगा आप लोगों को? इसमें ये सारी प्रिपरेशन मैंने बताई हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, छठी वाला ही दिन है ये भी। तो आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी चीज़ अच्छी लगी वो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है? चलिए फिर मिलूँगी अपने एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।